हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे ये डॉल, ये सुंदर सी गुड़िया। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। आज हम गुड़िया बनाना सीखेंगे। ये बहुत आसान है, मैं आपको बताती हूँ ये गुड़िया कैसे बनेगी। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने लिया है 12 नंबर के क्रोसिया और ये है 4 प्लाई का ऊन। तो सबसे पहले इसमें एक गांठ लगा लें। गांठ लगा लें, फिर इस पर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 सिंगल क्रोशिया बना लें, फिर इस धागे को खींच लें। तो यहाँ पे बन गए आपके 8 सिंगल क्रोशिया। फिर आप इसमें इसको इसे बंद कर दें। ये आपके 1 राउंड बन गए हैं। अब आप चाहे तो इसमें कोई मार्कर लगा लें, जाकि आपको याद रहे कि यहाँ से आपने शुरू किया था। मैं आपको मार्कर लगा के दिखाती हूँ। कोई भी दूसरा कलर का ऊन ले लें और यहाँ पे इसे मार्क कर लें, ताकि आपको याद रहे कि यहाँ से आपने बनाना शुरू किया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ इसमें अब इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, मतलब सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, डबल एक में 2 बार डालेंगे सिंगल क्रोशिया। तो ये 8 का हो जाएगा 16। आपने पहले 8 बनाया था, अब इसे डबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 सिंगल क्रोशिया। इसे कंप्लीट कर लें। तो ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें 8 थे, ये 16। अब हम बनाएंगे तीसरी लाइन। तो इसमें हम करेंगे सिंगल क्रोशिया, एक में सिंगल क्रोशिया, दूसरे में डबल सिंगल क्रोशिया, एक में सिंगल क्रोशिया, उसके बगल वाले में डबल सिंगल क्रोशिया, मतलब एक में 2 बार डालेंगे और एक में 1 बार। इस राउंड को कंप्लीट कर लें। तो ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे एक सिंगल क्रोशिया, नहीं 2 सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरे वाले में डबल सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, एक और सिंगल क्रोशिया, तीसरे वाले में डबल, एक फिर उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया, एक और सिंगल क्रोशिया, उसके बाद वाले में डबल सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, इस यहाँ मैंने बनाया है, इसमें सिंगल, फिर डबल। अब फिर करेंगे इसमें सिंगल, फिर डबल।
डबल हो गया। अब इसमें करेंगे सिंगल क्रोशिया, एक और सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें डबल सिंगल क्रोशिया। ये राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसमें बढ़ाना नहीं है, अब सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया बना के ये राउंड को कंप्लीट कर लेना है। हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएं और इस राउंड को कंप्लीट कर लें, तो आपके टोटल हो जाएंगे 5 राउंड। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये है 5वां राउंड। 4 राउंड तक हमने बढ़ाए थे, ये देखिए यहाँ पे बढ़ते हुए आया था, लेकिन 5th राउंड में नहीं बढ़ाएंगे। और ये हो गया सिंगल क्रोशिया, इसमें कहीं भी नहीं बढ़ाया मैंने। ये 5वां राउंड है आपका, इसे बनाते हुए और आप 4 और बनाएंगे, ये सही बिना बढ़ाए 4 राउंड और बनाएं। तो पहले के ये 4 और फिर ये एक और बनाया मैंने 5, अब और 4 और बनाएंगे, टोटल 9। टोटल 9 राउंड चाहिए, 1 2 3 4 5 और 4 और बनाएंगे बिना बढ़ाए। इसमें भी आपको नहीं बढ़ाना है, बस 4 राउंड तक बढ़ाए थे हमने, उसके बाद फिर अब नहीं बढ़ाएंगे। इसमें बस सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे, बिना बढ़ाए हुए 5 राउंड बनाए। एक मैंने बना लिया है, 4 और बनाएंगे। ये 4 और बना के मैं फिर दिखाती हूँ आपको आगे का। तो फ्रेंड ये 9 लाइन कंप्लीट हो चुका है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कंप्लीट हो चुका है, 9 लाइन। अब क्या करेंगे, इसको घटाते हुए जाएंगे, कम करेंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया, एक और सिंगल क्रोशिया, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया, एक और सिंगल क्रोशिया, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया, एक और सिंगल क्रोशिया, फिर 1 और 1, 2 में डालेंगे और ये तीनों को साथ में निकाल लेंगे, मतलब 2 का 1, ऐसे करके ये राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। एक सिंगल क्रोशिया, एक और सिंगल क्रोशिया, फिर 1, दो का एक करें, ये राउंड को कंप्लीट कर लें। ये राउंड आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसमें हमने बनाया था 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 को 1 किया था। अब क्या करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 का 1, एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 का 1। पहले हमने किया था 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 का 1, पर इसमें करेंगे एक सिंगल क्रोशिया और 2 का 1 करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, 2 का 1, ये राउंड को इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब 2 का 1 करेंगे, पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करेंगे 2 का 1 करके। देखिए 1, ये 2, 2 का 1 करेंगे,
पूरा राउंड ऐसे कंप्लीट कर लेंगे, दो का एक कर देंगे। तो ऐसे ये राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें हमें कॉटन फिल करना है, यह हम बाद में करेंगे। और इस धागे को थोड़ा लंबा करके यहाँ से काट लें, इसे बाद में हम सिलने के काम पे आएंगे। ये अब हम इसके पैर बनाएंगे। ये बन गए आप। अब ये लेग बनाएंगे। लेग बनाने के लिए हमें पहले की तरह ये गोल सा राउंड बना लें। सिंगल क्रोशिया बनाएं, इसमें आठ सिंगल क्रोशिया बनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ सिंगल क्रोशिया बना लें। आठ सिंगल क्रोशिया, इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर से। ऐसे सिंगल क्रोशिया करते हुए आठ लाइन बनाने हैं हमें। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए आठ लाइन बनाएं। ये कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए आठ लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन है। ये हमारा एक पेड़ बन चुका है। ऐसे ही सेम दूसरा पेड़ भी बना लेंगे। ये एक पेड़ बन चुका है आपका, दूसरा भी बना लें ऐसे ही। तो फ्रेंड ये लेग बन चुका है, ये दो लेग बन गए हमारे। अब इसमें भी कॉटन फिल कर देंगे, इसके अंदर और इसके अंदर, ये हम बाद में कर लेंगे। ये इसमें भी आठ लाइन है और इसमें भी आठ लाइन, ये दोनों लेग बनके तैयार हो गए हैं। ये देखिए, तो अब इन दोनों को आपस में जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसमें तीन चेन लेंगे, एक, दो, तीन। इसमें जोड़ लेंगे। अब फिर इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया आठ बार, एक, जितना इसमें बने हुए थे उतने में फिर से दोबारा बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब ये चेन तक हम आ गए। अब इस चेन में यह तीन चेन लिया था हमने, अब इस चेन के ऊपर फिर तीन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
तीन चेन के ऊपर तीन सिंगल क्रोशिया। अब इसके लिए इस लेग के ऊपर भी एट सिंगल क्रोशिया बना लें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये एट सिंगल क्रोशिया बन गया। यहाँ तक आके ये राउंड को कंप्लीट कर लें। अब यहाँ पे ये एट सिंगल क्रोशिया इसमें, एट सिंगल क्रोशिया इसमें, और यहाँ पे है आप एट एट सिक्सटीन, और यहाँ पे हो गए आपके यहाँ पे तीन, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया इस साइड है और तीन इस साइड है। अब इस साइड वाले में बनाएंगे टोटल 22 सिंगल क्रोशिया हमारे पास, एट इधर एट इस साइड एट इस साइड, और यहाँ पे छः, तीन इधर का तीन इधर का, टोटल हो गया 22। यहाँ तक आएंगे तो हमारी एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब इस तीन के ऊपर इस साइड वाले में हम लेंगे तीन सिंगल क्रोशिया, एक दो तीन सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम बनाएंगे टेन सिंगल क्रोशिया, एट इसमें का और दो इस चेन में का लेंगे, नाइन टेन हो जाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस सिंगल क्रोशिया बनाएं। फिर इस ग्यारह वाले में डबल सिंगल क्रोशिया, एक दो डबल सिंगल क्रोशिया बना लें। यहाँ पे हमने डबल सिंगल क्रोशिया किया था, फिर सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे करेंगे, हमने यहाँ पे 10 टाइम्स बनाए थे सिंगल क्रोशिया और 11 में बनाया था डबल क्रोशिया। अब बनाएंगे यहाँ पे 11 सिंगल क्रोशिया फिर डबल क्रोशिया। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, इलेवन हो गया सिंगल क्रोशिया। अब इसमें करेंगे डबल क्रोशिया, वन टू अब ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तीन लाइन। अब इसमें सिंगल क्रोशिया से तीन लाइन बनाएंगे, इसे एक दो तीन, तीन लाइन बनाएंगे, इसमें बढ़ाना नहीं है, बस सिंगल क्रोशिया करते हुए तीन लाइन बनाना है। तो फ्रेंड ये इतना बन चुका है, इससे मैंने कॉटन भर लिया है। आप भी इसमें कॉटन फिल कर लें, बाद में आपको भरने में प्रॉब्लम ना हो। इसके पैर में मैंने कॉटन फिल कर लिया है, अब इसमें भी करना बाकी है।
तो हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से बनाते हुए यहाँ पे आएंगे बीच में, जहाँ पे शुरुआत में हमने यहाँ पे बढ़ाया था यहाँ पे, उसके बीच में आएंगे यहाँ पे, यहाँ पे आके हमें घटाना है अब। तो यहाँ से बनाते हुए आएंगे यहाँ बीच में, एकदम सेंटर में आए, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सेंटर में आएंगे। तो यहाँ पे आके क्या करेंगे हम, दो का एक करना है हमें, दो का एक, दो का एक करेंगे। फिर इस राउंड को यहाँ से ऐसे बनाते हुए आएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे आके यहाँ पे भी करेंगे हम दो का एक। तो इसे बनाते हुए फिर हम पहुंच जाएंगे एकदम सेंटर में, ये देखिए फ्रेंड हम यहाँ सेंटर में आ गए। ये देखिए एकदम बीचों बीच सेंटर में आ जाए, और यहाँ पे भी करेंगे हम दो का एक। ये देखिए फ्रेंड, अब इसमें हमने यहाँ पे घटाया है और इस साइड घटाया है बीच में। अब बिना घटाए एक राउंड कंप्लीट कर लेंगे, अब इसे कहीं घटाना नहीं है, अब बस इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। अब फ्रेंड हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए इसमें एक गार्ड लगा लें, यहाँ बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए एकदम फिर मिडल में यहाँ बीच में आएंगे,
बीच में आके आपको फिर दो का एक करना है। यहाँ पे घटाएंगे हम लोग, जैसे पहले हमने यहाँ बनाए थे वैसे ही यहाँ पर आके दो का एक कर दें, फिर इसे बनाते हुए जाएं। दोनों साइड से आपको एक एक घटा देना है, दो का एक करना है दोनों साइड के मिडिल में आने के बाद। यहाँ पे आके करेंगे दो का एक। व्हाइट वाले उनको काट के हटा लें क्योंकि अब उसका जरूरत नहीं है इस समय। और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें पहुँचना है एकदम बीच में। बीच में पहुँच के फिर वैसे ही बनाएंगे दो का एक। बीचों बीच आ गए, अब दो का एक। दोनों साइड से आपको एक एक घटाते हुए जाना है। जब भी आप बीच में आए तो एक एक घटा लें। देखिए यहाँ फिर घट रहा है दो का एक। उसे बनाते हुए फिर बीच में आए, फिर उसे घटा लें दो का एक। एक ये देखिए दो का एक। बहुत आसान है फ्रेंड ये बनाना, ये डॉल आप ये आराम से बना सकते हैं। अब अगर मेरे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें बहुत पसंद आएगा ये डॉल। आप इसे सजा भी सकते हैं या फिर अपने बच्चों को दे सकते हैं खेलने के लिए। बहुत सुंदर सा लगता है ये डॉल। यहाँ देखिए फिर मैंने घटा लिया दो का एक। अगर फ्रेंड अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दो का एक कर लें यहाँ पे भी। ये देखिए फ्रेंड आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
हाँ, तो अब फ्रेंड हम करेंगे एक सिंगल क्रोशिया, अब दो का एक, एक सिंगल, फिर दो का एक, एक सिंगल, फिर दो का एक, एक सिंगल, दो का एक। ये राउंड कंप्लीट हो गए। ये देखिए फ्रेंड, और इसमें कॉटन फिल कर लेंगे। हाँ, तो फ्रेंड इसमें आप कॉटन भर लेंगे। मैं आपको कॉटन भर के दिखाती हूँ। इसमें से आपको कॉटन डालना है, क्रोशिया के हेल्प से आप डाल सकते हैं। जगह कॉटन भर ले, मैं कॉटन भर के आपको दिखाती हूँ। ये देखो, देखिए फ्रेंड, मैंने कॉटन भर दिया है इसमें भी और इसमें भी। अब इस दोनों को इसे काट लें। अब इन दोनों को आपस में ऐसे सिलना है। ये देखिए, इसकी बेस बनकर तैयार हो गया है। इसे सिल लें इसे आपस में। ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ सिल के। अब हम बनाएंगे इसके हाथ। जैसे हमने पैर बनाए थे वैसे ही हाथ बनेंगे। पैर में हमने लिया था 8 सिंगल क्रोशिया शुरुआत में, इसमें लेंगे 6 से शुरुआत करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः से बनाएंगे। 6 ले लिया। छः से शुरुआत किया मैंने। अब इसे 7 लाइन बनाएंगे। 6 रहेगा, इसको बढ़ाना नहीं है। ये 7 लाइन बना के मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हाथ बन गए हैं। 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन है। ये देखिए, दोनों बराबर है एकदम। अब हम क्या करेंगे, इसमें आँख लगा लेंगे पहले। अगर आप इसको यहाँ पे सिल देते हैं तो इसमें आँख लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आँख तो चाहे आप रील से बना सकते हैं, धागे लेके,
या फिर आप मोती भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे मोती लगाने जा रही हूँ। अगर आपके पास मोती नहीं है तो आप धागे से भी बना सकते हैं। मैं आँख लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आँख लगा लिया है मैंने और यहाँ पे उसका मुंह बना दिया है मोती से। अब हम लगाएंगे इसमें इसके हाथ। अब मैं बताती हूँ कि हाथ कैसे लगेंगे। अब हाथ को लेके यहाँ पे लगाएं ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। इसे थोड़ा नीचे के साइड झुका के सिले, इसे ऐसे करके ना सिले, इसे थोड़ा सा झुका ले फिर इसे सिले। ये देखिए इसमें दोनों हाथ मैंने लगा दिया है। अब हम इसका केप बनाएंगे। केप बनाना बहुत आसान है। फिर आप दो चेन ले लें, फिर 8 डबल क्रोशिया बना लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डबल क्रोशिया बना लें। अब 8 का 16 करेंगे। अब डबल बनाएंगे। ये हो गए 1 2। ये चेन को भी काउंट करेंगे 1 2 और इसमें फिर 2 बनाएंगे। तो 8 का डबल करना है आपको 16। ये देखिए 16 हो गया। फिर 8 थे फिर 16।
फिर एक दो तीन चैन लेंगे। अब एक सिंगल, फिर इसमें डबल, इसमें मैंने बनाया सिंगल डबल क्रोशिया, एक बार डालेंगे, इसमें दो बार डालेंगे, एक दो, फिर एक एक दो, फिर एक, फिर इसमें दो, फिर एक, एक बढ़ाते हुए जाना है। इसमें दो, एक दो, ऐसे ये राउंड को कंप्लीट कर लें। जी ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब एक दो तीन, एक सिंगल, दो सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, दो सिंगल, फिर डबल, फिर दो सिंगल डबल, एक सिंगल, फिर एक और सिंगल, अब ये डबल, फिर एक सिंगल, एक और सिंगल, फिर डबल, ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब इसे यहाँ पे जोड़ दें, पहले हमने बनाया था यहाँ पे आठ डबल क्रोशिया, फिर बनाया डबल क्रोशिया, समय दो 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 डाला, उसके बाद फिर दो एक का रेशियो था ये, दो फिर एक दो एक, फिर इसमें बनाया दो सिंगल, फिर डबल, दो सिंगल, फिर डबल, अब सब में सिंगल सिंगल बनाना है, बढ़ाना नहीं है, बस सब में सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। ये राउंड को कंप्लीट कर लें सिंगल सिंगल बनाने के डबल क्रोशिया। ये देखिए केप बन के तैयार हो गया है। अब इसे काट के डाले, अब हम ऑरेंज कलर का ऊन लेंगे। अब हमें पीछे वाले लूप में वर्क करना है, ये पीछे वाला, ये देखिए यहाँ आगे नहीं, ये पीछे वाले में। जी अब हम इसमें पीछे वाले चेन में लेंगे, इस पीछे वाले लूप में इसमें डालेंगे। यहाँ मैंने पिंक कलर लिया है, लाइट पिंक, अब अपने ज़रूरत के अनुसार कोई भी कलर ले सकते हैं। पीछे वाले चेन में डालने हैं हमें, ये देखिए ये चेन है, इसके पीछे वाले में, और सिंगल क्रोशिया बना के इसे कंप्लीट कर लें।
ये देखिए ये अब कंप्लीट हो गया है। अब हम टोपी को ऐसे नहीं ऐसे पकड़ेंगे ऐसे, और अब हमें इस वाले चेन में जिसमें मैंने पहले पीछे वाले में बनाए थे हमने, इस वाले में अब बनाएंगे इस आगे वाले में, इस आगे वाले में बनाना है अब। एक तो तीन चेन और इसमें डबल क्रोशिया करेंगे, फिर दो चेन, एक दो चेन और इसमें इसके बगल वाले में इसमें डालें और इसमें सिंगल स्टिच कर दें, फिर बनाएंगे एक दो चेन, फिर दो डबल क्रोशिया, एक दो डबल क्रोशिया, फिर एक दो दो चेन, फिर इसमें डालेंगे ऐसे यहाँ पे बंद कर देंगे, फिर एक दो दो डबल दो चेन, फिर एक दो एक दो चेन, फिर इसके बगल वाले में इसे बंद कर दें, फिर एक दो चेन, फिर एक दो चेन दो डबल क्रोशिया, फिर दो चेन और इसके बगल वाले में ऐसे डालें, फिर एक दो चेन, एक दो डबल क्रोशिया, एक दो चेन, फिर इसके बगल वाले चेन में डालेंगे, फिर एक दो चेन, ये देखिए ऐसे दो चेन, एक दो डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, एक दो, ऐसे इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लें। ये देखिए फ्रेंड ये केप बनके तैयार हो गया है। ये मुझे अभी से इतनी प्यारी लग रही है गुड़िया। अब इसे केप को भी सुई की हेल्प से यहाँ पे सिलाई कर लें, वाइट वाले जो है ना लास्ट राउंड, वाइट वाले लास्ट वाले राउंड में यहाँ पे इसे सिल लें अच्छे से। ये मैं बाद में कर लूँगी, पहले मैं आपको बताती हूँ फ्रॉक कैसे बनाएं इसका। फ्रॉक बनाने के लिए मैंने यहाँ में रेड कलर का यूज़ किया है। इसे आप बैक साइड से स्टार्ट करें, अगर आप फ्रंट साइड से करेंगे तो एक राउंड जो बन के आएगा यहाँ पे तो ये इतना नहीं सुंदर होता, ये इतना ये अगर आगे साइड सुंदरता दिखे तो पीछे साइड से इसे आप स्टार्ट कर लें। ये देखिए ये जो इस कलर में इसे डालें, और इसमें एक दो चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर इसी में डालें दोबारा
और फिर इसमें फिर बनाए डबल क्रोशिया दो बार, एक दो। ये देखिए फ्रेंड, ये बन गया। अब हम यहाँ पे चेन नहीं लेंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक छोड़ के एक यहाँ पे छोड़ के दूसरे वाले में डालेंगे, एक स्किप करें दूसरे वाले में डाल के फिर सिंगल क्रोशिया बनाएं एक बार, फिर एक स्किप करें यहाँ से एक स्किप करके दूसरे वाले में डालेंगे। मैं सिंगल क्रोशिया बना लें, नहीं सॉरी, यहाँ पे जैसे कि हमने बनाया था दो डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर दो डबल क्रोशिया, एक स्किप करके इसमें बनाया सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया एक टाइम्स। अब इसमें जैसे यहाँ पे बनाया मैंने, उसे यहाँ पे फिर दोबारा बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर इसी वाले में डालें जिसमें अभी डाला था मैंने, उसी में डालें, और इसे फिर बनाए डबल क्रोशिया एक, दो डबल क्रोशिया, फिर एक स्किप करेंगे, फिर इसमें डालें और यहाँ पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक स्किप करें, इसको स्किप करें, फिर इस वाले में डालें, ऐसे बनाएंगे डबल क्रोशिया दो बार, फिर दो चेन, डबल क्रोशिया, ऐसे इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लें। ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे सिंगल स्टिच बना के इस बीच में आ जाएं। यहाँ पे हमने दो चेन लिया था, यहाँ पे हमने दो चेन लिया था, तो यहाँ पे आ जाएं। अब हम बनाएंगे एक दो तीन चेन, दो डबल क्रोशिया, इसको भी वन काउंट करेंगे चेन को, एक दो तीन डबल क्रोशिया हो गए, फिर एक चेन, फिर यहाँ पे बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया, यहाँ पे हमने बनाए थे दो डबल क्रोशिया, यहाँ पे बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया, एक चेन, तीन डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे कोई चेन नहीं लेना, और यहाँ पे जो हमने सिंगल एक बनाया था, यहाँ पे डबल क्रोशिया सिंगल वाली जो थी उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर इस वाले में आ जाए, इसमें तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया, फिर इसमें बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया,
इस वाले में तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक दो तीन, ऐसे इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इसे यहाँ पे अब जोड़ देंगे। अब हमने जो ये सेकेंड वाले राउंड में बनाया है तीन डबल क्रोशिया, ऐसे ऐसे ही करके हम गुड़िया और यहाँ तक गुड़िया के मतलब यहाँ तक कवर होने तक बना लेंगे, मतलब एक दो तीन तक बनेंगे, यहाँ तक आएंगे कवर होने तक बना लें। एक राउंड और बनेंगे सेम जैसे से इस टाइम में बनाया था हमने वैसे ही बनेंगे। फिर ये राउंड कंप्लीट हो चुका है, अब हम लास्ट राउंड बनाएंगे। इसमें लास्ट राउंड बनाने के लिए आप दूसरा कोई कलर का ऊन ले लें, मैंने यहाँ पे येलो का यूज़ किया है। अब हम यहाँ पे क्रोशिया डालेंगे, पहले बनाएंगे तीन चेन, एक सॉरी वन टू थ्री, तीन चेन लेंगे। यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया छः टाइम्स बनाना है, एक ये चेन वाले एक, ये दो, ये तीन, चार, पांच, छः। अब इस वाले में इसे सिंगल क्रोशिया बनाएं बस, फिर इसमें एक दो तीन तीन चार पांच छः, छः डबल क्रोशिया। और यहाँ पे जहाँ पे हमने एक बनाया था इसमें बनाए, इसमें इसको सिंगल स्टिच कर दें, फिर इस वाले में फिर छः, एक दो, ऐसे करके इस राउंड को कंप्लीट कर लें आप। ये देखिए फ्रेंड ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है मैंने, अब आपके डोल बन के तैयार है। और मैंने केप को भी यहाँ से सिल लिया है, ये केप भी मैंने सिल लिया। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है डॉल। आप बताइए आपको ये डॉल कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की क्रोशिया की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।